काम हो गया। सोनाक्षी के हॉस्पिटल का एडमिशन फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है? सुपर, फैंटास्टिक। ओए समीर। जी। तेनु की लगता है? जानकी आंटी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, I'm totally blank। ये जो कुछ भी नीचे हुआ ना, मुझे जेन्युइनली कुछ समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं कौन होगा सोनाक्षी के बच्चे का फादर, I don't know, लेकिन करण भाई नहीं हो सकते, मेरा दिल कह रहा है। अकल तो सही है, करण नहीं हो सकता। क्या हुआ? आप दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम बताओ ना, तुम्हें क्या लगता है? तुम्हारा ओपिनियन हमेशा सही होता है ना? क्या लगता है कौन होगा बच्चे का फादर? ऐसी बात नहीं है सामी, मैं इतनी भी कोई ग्रेट नहीं हूँ यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आजकल ना बहुत अजीब सी चीजें हो रही है मेरे साथ, मैं सोचती कुछ और हूँ, निकलता कुछ और है। मेरी तो आजकल सोच ही गलत निकल रही है। देखो ना, मुझे क्या लगा था कि रजत के चाचा जी रजत के पास्ट के बारे में कोई राज छिपा रहे हैं, लेकिन राज तो ये अपनी सोना छिपा रही थी, वो भी इतनी बड़ी बात। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि वो बेबी का फादर एक्चुअल में है कौन। ये जो भी कुछ हो रहा है ना, ये लाइफ में मेरे साथ पहली बार हो रहा है। ये मेरे पास नहीं है आप लोगों के सवालों के जवाब, मेरे पास नहीं है। सृष्टि के पास इस सवाल का जवाब नहीं है, या फिर ये सही जवाब देने से डर रही है कि कहीं इस सवाल के जवाब से साड़ी प्रीता की जिंदगी में तूफान ना आ जाए। एनीवे, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अरे इससे पहले वो रजत और वो बागड़ वाला पृथ्वी आके अनाउंस कर दे कि बेबी का एक्चुअल में फादर कौन है, नीचे चलते हैं। हमें भी तो जानना है ना कि बच्चे का बाप कौन है। सही है, चल। हो गया कंफर्म, कौन है बच्ची का बाप? पता चल गया आप लोगों को? बताइए कौन है? तुम हो, तू है उस बच्ची का बाप। करण दूसरा तू है, बंद कर। कितनी बार बोलूंगा कि मैं बच्ची का बाप नहीं, वो बच्ची मेरी नहीं है, समझा? तेरे बोलने से ऐसा कुछ हो नहीं जाएगा। डैड, आप बताइए। महेश जी कह दीजिए कि करण उस बच्ची का बाप नहीं है। आंटी जी, ये सही बोल रहा है। सोनाक्षी के बच्ची का बाप और कोई नहीं, बल्कि यही करण लूथरा है। इम्पॉसिबल। बकवास कर रहे हो तुम सब लोग, बकवास। इतना बड़ा झूठ बोल कैसे? झूठ तू बोल रहा है। मैं नहीं बोल रहा, एक बार बोला दोबारा बोल रहा हूं, वो बच्ची मेरी नहीं है। सोना सिर्फ मेरी दोस्ती, नथिंग एल्स, समझा? गलती हो गई मुझसे, तुझे पहचान नहीं पाया मैं। अगर मुझे पता होता ना कि तू ऐसा इंसान है, तो तुझे अपने पास तक नहीं खड़ा होने देता मैं। अरे खड़ा तो मैं नहीं होता यहाँ आकर, शादी के लिए आता ही नहीं कभी। अगर मुझे पता होता कि ये सब हो रहा है। दोस्त बहुत देखे हैं मैंने, लेकिन तेरे जैसा दोस्त आज तक नहीं देखा। सोना को जरा सी चोट क्या लगी, और तू तो ऐसे फिकर करने लगा, इतना परेशान हो गया जैसे पता नहीं क्या हो गया। दोस्त है मेरी, समझा? दोस्त की फिकर थी मुझे, इसलिए ये सब किया। There's nothing else. करण लूथरा, इतने सबूत दिखा दिए, इतना तेरा एक्शन रिएक्शन देख लिया, अब और ऐसा क्या करूं कि तू अपने मुंह से सच बोले? पहले तो बोला कि हमारी फेक रिपोर्ट्स है, उसके बाद हॉस्पिटल गए, वहां जाके पेपर्स निकलवाए। वहां पे पेपर मैंने देखे, पृथ्वी ने देखे, तेरे पापा ने देखे, और कौन सा सबूत चाहिए तुझे? मैं तुझे सबूत दे दे के थक गया, लेकिन तू झूठ बोलते बोलते नहीं थका। सच कहूं कर, तूने मुझे नहीं,
मेरी पूरी फैमिली को बर्बाद कर दिया। इनफैक्ट तूने मेरा फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट सब खराब कर दिया यार। अबे तू क्यों रो रहा है? हाँ? तेरे साथ क्या हुआ? इल्जाम तो मुझ पे लग रहा है ना, जो गलत हो रहा है मेरे साथ हो रहा है। I have to prove everything. तुम सबसे तो बात करने बेकार है। You trust me ना? हाँ? ये सब I don't know what it is. मैं जानता तक नहीं है। मैं सोना को सिर्फ दोस्त जानता हूँ और कुछ नहीं। कॉलेज में मिले थे हम लोग, सिर्फ कॉलेज की दोस्त है मेरी, इससे ज्यादा हमारे बीच में कभी कुछ नहीं हुआ। एवा, विश्वास है ना मुझ पे? हाँ? इधर आ, बता इन सबको, इतने बड़े बड़े इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर, तुझ पर, इन सबको बता कि हमारे बीच में कभी कुछ नहीं हुआ। बता। Say damn it! सोना, सोना बोलो कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। सोना, सोनाक्षी मेरे भाई पे इल्जाम लग रहे हैं, प्लीज जो भी है बताओ। से समथिंग। तुम झूठ मत बोलो, मेरा भाई ऐसा कुछ नहीं कर सकता, बोलो ना। चुप मत रहो सोनाक्षी, प्लीज दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, बोलो कुछ प्लीज भी बताओ, बोलो प्लीज। पहले झूठ बोला था। कोई और पूछता तो मैं नहीं बताती, पर आज तुम पूछ रहे हो तो मैं तुम्हें सच बताऊंगी। आज शायद मेरे मुंह से सच निकल जाए, पर फिर कभी मेरे मुंह से ये बात नहीं निकलेगी। तुम जानना चाहते हो ना कि इस बच्चे का बाप कौन है? तुम करण, तुम। ही तो बोल रही हूँ, इसीलिए चुप थी अब तक करण। मैंने सोचा था कि पास था, जिस पास का कुछ बचा ही नहीं है तो मैंने उसे जाने दिया, जिस पास के कारण अभी मेरे दामन में दाग लगा है। मुझे लगा उसके कारण कहीं तुम्हारी इमेज पे भी दाग ना लग जाए। अरे अच्छी खासी मैरिड लाइफ है तुम्हारी, प्रीता है, पूरी की पूरी फैमिली है, हंसते खेलते हो सब। तुम्हारी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी करण। और प्रीता, प्रीता को तो मैं अपनी बहन मानने लगी थी। एक तरफ मेरा इतना अच्छा दोस्त, दूसरी तरफ प्रीता जैसी बहन। मैं तुम्हारी मैरिड लाइफ को बर्बाद नहीं करना चाहती थी, उसे स्पॉइल नहीं करना चाहती थी करण, प्लीज। मेरा तो आज खराब हो ही गया है, सब बर्बाद हो गया है। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे आज के कारण तुम्हारा कल भी खराब हो जाए। तुम्हारी लाइफ से सबकी लाइफ कनेक्टेड है, प्रीता की, तुम्हारी पूरी फैमिली, सब कनेक्टेड है। नहीं चाहती थी करण की एक पुराने कनेक्शन के कारण तुम्हारे सारे नए कनेक्शन खराब हो जाए, इसीलिए चुप थी, मैंने कुछ नहीं बोला। पर किसी ने मेरा विश्वास नहीं किया, सबके सब गए हॉस्पिटल चेक करने रिपोर्ट्स, यहाँ तक कि मेरे खुद के पापा भी गए। क्योंकि वो भी नहीं जानते थे कि मेरे बच्चे का बाप कौन है। मुझे पता था,
मैंने बहुत कोशिश की कि मैं कुछ ना बोलूं, बहुत कोशिश की मैंने, पर इन सब ने मेरे मुंह से सच बुलवा ही लिया। कि मेरी कोख में तुम्हारा बच्चा था करण, झूठ झूठ बोल रही हो तुम। तुम्हारे लिए ये झूठ है, लेकिन मेरे लिए ये झूठ नहीं है करण, क्योंकि तुम्हें नहीं पता था पर मुझे पता था। मैंने ये बात सबसे छुपाई, इसलिए करण का इसमें कोई कसूर नहीं है, ये सिर्फ मेरी और मेरी गलती है। प्रीता, प्रीता, पास में जो कुछ भी हुआ उसके लिए I'm really sorry। पास में कुछ भी नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था करण, तुम्हें याद नहीं है? याद है कॉलेज में वो प्रॉम नाइट? तुम्हें याद नहीं होगा क्योंकि हमारे ग्रुप के सारे दोस्तों ने बहुत ड्रिंक कर ली थी, याद है कि हम दोनों ने भी बहुत ड्रिंक कर ली थी, इतनी ड्रिंक कर ली थी हम पागलों की तरह डांस कर रहे थे। मुझसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था और तुम मुझे घर ड्रॉप करने गए। हेल्प की और तुम मुझे रूम तक छोड़ने आए। और फिर हम दोनों के बीच वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था करण। हम दोनों ने अपनी दोस्ती की हद पार कर दी। फिर से झूठ। अगर ऐसा कुछ भी हुआ था ना तो मुझे याद होता। तुम्हें ये तो याद होगा ना कि अगली सुबह तुम उठे कहाँ थे? पर तुम्हें ये याद नहीं है कि सुबह से पहली वाली रात को हुआ क्या था? मुझे याद है करण। करण, मुझे पता था कि तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड है और मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड टाइप नहीं हूँ। मैंने सोचा कि जिस रास्ते जाना ही नहीं है मैं वो रास्ता ही बंद कर देती हूँ। मैंने सोचा कि मैं इस बात को गलती समझ के भुला दूंगी, मूव ऑन कर जाऊंगी अपनी लाइफ में, किसी से कभी मेंशन ही नहीं करूंगी। प्रीता, करण की कोई गलती नहीं है क्योंकि उसके लिए तो रात कहीं बात गई थी, लेकिन मेरे लिए रात कहीं बात गई नहीं थी। कुछ ही महीनों बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूं। और सिचुएशन ऐसी थी कि मुझे मेडिकल हेल्प भी नहीं मिल सकती थी। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं तुम्हें बताऊंगी। मुझे पता चला कि तुम ट्रैवल कर रहे थे और कहीं किसी होटल में रुके थे। मैं तुम्हारे होटल तक भी आई थी, होटल शेरेटन। मैंने सुबह सुबह तुम्हारे कमरे की डोरबेल रिंग की थी। इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? तुम भी तो सुबह सुबह आई हो। हाँ, क्योंकि मुझे तुम्हारा मैच देखना था।
देख लिया। I loved it. You the best girl. But see my bad luck. तुम्हारी बॉल कीचड़ में हिट कर गई, मेरे सारे कपड़े खराब हो गए। But never mind. इसी बहाने तुम्हारा बाथरूम तो पहनने को मिला। बाथरूम I can share, but मैं अपना रूम किसी के साथ शेयर नहीं करता। हम डोर पे देखो कौन है, उसके बाद तुम भी चली जाओ। मुझे प्रैक्टिस पे जाना है दोबारा, मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ। Yes. मैंने देखा कि उस लड़की ने तुम्हारा बाथरूम पहना हुआ था। ये करण लूथरा का कमरा है ना, आप प्लीज एक बार करण को बुला सकती हैं? क्यों, फोटोग्राफ लेना है या सेल्फी चाहिए? कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, जाओ यहाँ से। देखिए एक मिनट, मुझे करण से बहुत अर्जेंट बात करनी है। आप उसे बोलिए कि सोना आई है, मुझे अभी के अभी उसे बात करनी है। क्यों आई हो तुम यहाँ, क्या चाहती हो? एक्चुअली आई एम प्रेग्नेंट और मेरे बच्चे का बाप करण है, मुझे उसे यही बात बतानी। शट अप, करण मुझसे शादी करने वाला है, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, वो जहां भी जाता है ना मुझे साथ लेके जाता है। We are like famous couple. और तुम जो ये सब करने की कोशिश कर रही हो ना, करण का नाम खराब करने की कोशिश कर रही हो, मत करो। वैसे प्रेग्नेंट तो मैं भी हूं, क्योंकि सच में मैं करण के साथ रिलेशनशिप में, इसलिए प्रेग्नेंट हूं। ऐसे ही थोड़ी अपने करण को किसी को भी गिफ्ट कर दूंगी। लीव हिम एंड गेट लॉस्ट। थोड़े टाइम बाद मुझे पता चला कि उस लड़की ने मुझसे झूठ बोला था, मुझे वहां से भगाने के लिए कि वो प्रेग्नेंट थी, जबकि वो प्रेग्नेंट नहीं थी। लेकिन जब मुझे ये बात पता चली तो बहुत देर हो चुकी थी। पापा मुझसे बहुत नाराज थे, वो तो चाहते थे कि मैं इस बच्चे को जन्म ही ना दूं। बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि कौन है बच्चे का बाप, पर मैंने उन्हें नहीं बताया, क्योंकि मैंने करण को भी नहीं बताया था। इसीलिए करण को कुछ नहीं पता था प्रीता, उसे कुछ भी नहीं पता था। थोड़े दिनों बाद मुझे मुझे सुनने में आया कि तुम्हारी शादी होने वाली है। तब मैंने डिसाइड किया कि मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी। सुनो बेटा, अगर तुमने इस बच्चे को जन्म दिया तो ये सोसाइटी, यहाँ के लोग तुमसे उस होने वाले बच्चे के बाप का नाम पूछेंगे, जो तुमने मुझे भी आज तक नहीं बताई। और नाम तो छोड़ो, ये सोसाइटी तुम्हारे कैरेक्टर पे उंगली उठाएगी, हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। I don't care, पापा। ये सोसाइटी, इज्जत, लोग, बच्चे के बाप का नाम, क्या करूं मैं इनका? इन सब के लिए मैं अपने बच्चे को मरने दूं क्या? मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी पापा। हमने तो सारी कोशिशें की थी सोना का फैसला बदलने की, लेकिन ये सोना का फैसला नहीं बदल सके। तब अंकल ने सोना के डिलीवरी के लिए हमारे घर भेज दिया, ताकि लोगों को पता ना चले मेरी मॉम सोना की चाची लगती है। मैं अपनी चाची के साथ रहने लगी। फिर एक दिन वो दिन भी आ गया, मेरी ड्यू डेट। मैं हॉस्पिटल लेकर जाया गया। लाइफ एक स्ट्रगल बन चुकी थी। पहली स्ट्रगल कोख में बच्चा रखने की, फिर दूसरी स्ट्रगल मेरी डिलीवरी, जिसका दर्द 9 महीने पेट में बच्चा रखने से भी ज्यादा था। इट वाज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। और डिलीवरी होने के बाद मुझे एक और दर्दनाक खबर पता चली। मेरे डैड मेरे पास आए और उन्होंने बोला कि सॉरी सोना,
हमने बहुत ट्राई किया लेकिन बच्चे को नहीं बचा सके। सोना की तो पूरी जिंदगी उजड़ गई थी। क्या थी ये लड़की, ओल्ड बिंदास, अपने में मस्त रहने वाली, और अब देखो कैसे क्या हो गई है, टूट के बिखर गई है वो। तब अंकल ने सोना को पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए लंदन भेज दिया। लंदन जाने के बाद भी मैं अपने दर्द को भुला नहीं पाई थी। उठती थी, बैठती थी, सोती थी, पढ़ती थी, पर उस दर्द को भूल ही नहीं पा रही थी मैं। धीरे धीरे वक्त के साथ मैं उस दर्द को भूल गई। मैंने डिसाइड किया कि पास्ट को पास्ट में ही रहने दूंगी, अपने प्रेजेंट में कभी भी नहीं आने दूंगी।